धनबाद में एक साल पहले कोर्ट में शादी कर बिना किसी को बताए अपने अपने घरों में रह रहे प्रेमी जोड़े ने आज धनबाद महिला थाना क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने महिला थाना में जमकर हंगामा किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह यह मामला शांत हुआ। प्रेमी जोड़े का प्यार चढ़ा परवान। 2019 में कोर्ट मैरिज कर आज महिला थाने में किया आत्मसमर्पण। प्रेमी जोड़े के थाना पहुंचते ही लड़की के घर वालों ने महिला थाने में किया हंगामा। धनबाद के मनई चांद और गांधीनगर के रहने वाले प्रेमी जोड़े के लगभग 6 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर वालों के लगातार शादी के लिए दबाव बनाए जाने के बाद बिना बताए प्रेमी जोड़े ने धनबाद में शादी कर लिया था। दोनों अपने अपने घरों में रहने लगे थे, जब लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी किसी दूसरे जगह करनी चाहिए, तब प्रेमी जोड़े ने महिला थाने में आत्मसमर्पण कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम लोग तो अपने मर्जी से शादी की, जिसके बाद हम लोग महिला थाने में अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि उनका घर वाला हमलोग को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसकी वजह से उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। महिला लोकल थाना धनसार में केस भी किया गया है अपहरण का, जबकि हम लोग 1 साल होने चला हमारी शादी का। 14 दिसंबर 2019 में हम लोग शादी यही कोर्ट मैरिज कोर्ट में ही किए थे, धनबाद कोर्ट में। ये 24 दिसंबर को हमारे शादी का 1 साल हो जाएगा, ये बात लगभग सबको पता है। जी हाँ, वो लोग भी आए हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि अब मतलब कि हमको लड़की से कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड भरवा कर हम इन लोग को हमेशा हमेशा के लिए लड़की को छोड़ देना चाहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम अन्य टाड़ में रहते हैं। ये लड़का कहाँ? छह साल हो गया। हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं ना, मतलब रास्ते से आने जाना, अब आप क्या चाहते हैं? हम इनके साथ रहना चाहते हैं। महिला थाना से अंदर किया, कल रात को आए हैं। पिछले 2019 में दोनों प्रेमी जोड़े ने कोर्ट में शादी कर महिला थाने में आत्मसमर्पण किया है। न जाने किस डर के कारण 6 वर्षों से ये प्रेमी जोड़े अपने अपने घरों में रह रहे थे। दोनों प्रेमी जोड़े जब थाने पहुंचे तो थानों में नजारा देखने लायक था। पुलिस अधिकारी अब दोनों प्रेमी जोड़े को लड़के के घर भेजने की बात कर रहे हैं। ये दोनों प्रेम विवाह किया है कोर्ट में, ये दोनों गांधीनगर धनबाद का रहने वाला है। ये 2019 में कोर्ट मैरिज किया है और आज महिला थाना में सिलेंडर किया है। अपना अपना घर में दोनों को रहते थे, यहाँ आए हैं तो दोनों को लड़का लड़की है और अपना घर लड़का वाले एक्सेप्ट कर रहा है। जानकारी तो नहीं दिया था, गुप्त में रखा था। आज महिला थाना में आया तो घर वालों को हम लोग सुझा दिया, इतना उसका परिवार वाला लोग आया। ये लोग लड़की वाला थोड़ा विरोध कर रहे हैं, लड़की जाने नहीं चाह रही है, लड़का के साथ जाएंगे। मामला प्रेम प्रसंग का है, हालांकि दोनों वयस्क हैं, ऐसी स्थिति में कानून भी इन प्रेमी जोड़े के साथ है। मामला प्रेम प्रसंग का है, लेकिन अब प्रेम प्रसंग के बाद मामला थाने पहुंचकर नाटकीय घटनाक्रम में बदल गया है। धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। टूटती है आप जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।